बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम ये वीडियो नंबर 2 है हमारी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। पास इंडेफिनेट अगर हमें दिया हो तो इसका एक्टिव यू बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है अमजद रॉट अ लेटर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पास इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिख दिया और वाज लगा दिए साथ में, और थर्ड फॉर्म वर्ब का वो रॉट का होता है रिटर्न बाय अमजद लिख देंगे। इसी तरीके से ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है दे वेलकम्ड देयर लीडर। देयर लीडर ये शुरू में लिख दिया वाज, इसका थर्ड फॉर्म वेलकम्ड ही होता है बाय देम, देम में चेंज होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट हो तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, विल या शैल लगेगा, बी साथ में लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ही विल सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल बी सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है बाय ही चेंज होगा हिम में। तो इस तरीके से हम ये तीन जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।